नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं शुभकर्ण, सहायक आचार्य EFM। आज हम BCOM पार्ट सेकंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर सेकंड इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध, यूनिट संख्या 2 के अंतर्गत आज महत्वपूर्ण टॉपिक कोष प्रवाह विवरण, फंड फ्लो स्टेटमेंट का अध्ययन करेंगे। कोष प्रवाह विवरण, कोष प्रवाह विवरण का अध्ययन करने से पहले हम सर्वप्रथम कोष प्रवाह या फंड फ्लो के बारे में जानेंगे कि कोष क्या है और उसका प्रवाह क्या है। जैसा कि नाम से प्रतीत है, कोष प्लस प्रवाह, कोष का मतलब यहां पर फंड से है, प्रवाह का मतलब यहां पर आवागमन या आदान प्रदान से। फंड का मतलब कोष होता है। इस प्रकार कोष प्रवाह विवरण से कोष शब्द भी विभिन्न विद्वानों ने इनकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिसमें मुख्यतः हम बात करें कि कोष का अर्थ किसी संस्था की संपूर्ण वित्तीय संगठन से है, मतलब संपूर्ण वित्तीय संगठन। विभिन्न अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि कोष का मतलब यहाँ पर संपूर्ण वित्तीय संगठन से होता है, प्रवाह का मतलब यहाँ पर आवागमन होता है, इनफ्लो और आउटफ्लो। अब हम बात करें कोष प्रवाह विवरण की कि कोष प्रवाह क्या चीज़ है। कोष प्रवाह में तात्पर्य, मैंने जैसा आपके आपको बताया, फंड जो धन है, जो रिजर्व है, उनका आवागमन होना। तो इस प्रकार कोष प्रवाह का मतलब हो गया यहाँ पर कोषों का आवागमन, आवागमन। कोषों के आवागमन से हम जाने कि कोषों का आवागमन क्या है। कोषों के आवागमन से यहाँ पर फंड को यूज और उपयोग करने से है, उनका किस प्रकार से इनफ्लो हुआ और किस प्रकार से आउटफ्लो, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इनफ्लो का मतलब यहाँ पर आवागमन से है, इनफ्लो आउटफ्लो का मतलब बहिर्गमन से है। इस प्रकार कोष प्रवाह का मीनिंग तो ये हुआ कि कोषों का आवागमन कौन से स्रोत से हुआ और कौन से स्रोत से कोषों का बहिर्गमन हुआ। तो ये तो बात हुई अपने कोष प्रवाह विवरण की। अब हम आगे बात करें कोष प्रवाह विवरण का क्या महत्व है, इसकी क्यों इम्पोर्टेंस पड़ी, वाकई में कोष प्रवाह विवरण अपने लिए उपयोगी है या नहीं। जब कोष प्रवाह विवरण हम बनाते हैं तो एक निश्चित समय अवधि में हमें कार्यशील पूंजी में विभिन्न परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब कार्यशील पूंजी में परिवर्तन होते हैं। कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से मतलब यह होता है कि रोकड़ में वृद्धि होने से वर्किंग कैपिटल पे क्या कैश करंट एसेट्स में वृद्धि होने से वर्किंग कैपिटल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, करंट एसेट्स में कमी होने पर वर्किंग कैपिटल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, करंट लायबिलिटीज़ में वृद्धि होने पर वर्किंग कैपिटल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, करंट लाइबिलिटी जो अपनी करंट लाइबिलिटी उसमें कमी होने पर वर्किंग कैपिटल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये अपन स्टेटमेंट शोविंग द शेड्यूल इन चेंज इन वर्किंग कैपिटल में इसको विस्तृत तरीके से अपन अध्ययन करेंगे। आज हम इसी चैप्टर के अंतर्गत फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंतर्गत अध्ययन करेंगे कि कोष प्रवाह विवरण का महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट, कोष प्रवाह विवरण का महत्व।
इंपॉर्टेंस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। इसका अध्ययन करने से पहले मैं आपको इसमें दो बातें कहना चाहूँगा कि कोष प्रवाह विवरण से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में प्रैक्टिकल में इसका क्वेश्चन आता है और इसी से ही रिलेटेड अगला चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण। ये दोनों चैप्टर ऐसे हैं जो आपके यूनिट संख्या सेकंड के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन दोनों में एक प्रश्न आता ही आता है, तो आपको इनको अच्छे से अध्ययन करना है। तो अब थ्योरेटिकल पोर्शन की हम बात करें तो लगभग कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं कि कोष प्रवाह विवरण का क्या महत्व है। जैसा कि हम कोष प्रवाह विवरण बनाते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार के तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है, जिसमें पहला इम्पोर्टेंट महत्व है प्रबंधक के लिए होता है। प्रबंधक वर्ग के लिए, प्रबंधक वर्ग के अंतर्गत फोर ए मैनेजमेंट, प्रबंधक वर्ग मैनेजमेंट, फोर ए मैनेजमेंट प्रबंधक की किस प्रकार से कोषों का आवागमन हुआ, किस प्रकार से कोषों का यूटिलाइज हुआ, ये प्रबंधक के द्वारा क्रियान्वयन करना पड़ता है। कि वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी का विश्लेषण किस प्रकार से हुआ, उसका नियोजन किस प्रकार से हुआ, अर्जनों का निरीक्षण किस प्रकार, डिविडेंड किस प्रकार से देना है, और इस प्रकार तुलनात्मक अध्ययन प्रबंधक के द्वारा किया जाता है। दूसरे इंपॉर्टेंस की हम बात करें अंशधारियों के लिए, शेयर होल्डरों के लिए, अंशधारियों के लिए शेयर होल्डर, एज ए शेयर होल्डर, फॉर शेयर होल्डर के लिए इस प्रकार कोष प्रवाह विवरण प्रबंधकों की इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। शेयरधारियों के लिए शेयर होल्डर वो होते हैं जो जिसी कंपनी के शेयर अधिग्रहण रखते हैं, उनको खरीदते हैं और बेचते हैं। जब वो शेयरों को खरीदते बेचते हैं तो पूंजी का क्या होता है, आवागमन होता है। जब पूंजी का आवागमन होता है तो इसमें सोर्स जो फंड है वो प्रभावित होता है। फंड जब प्रभावित होता है तो अपने कोष का प्रवाह होता है, तो इसलिए अंशधारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिना अंशधारियों के कोष का प्रवाह नहीं होता है, तो हमें शेयर होल्डर फंड्स को ध्यान में रख के विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ का ध्यान में रख करके कोषों का प्रवाह किया जाता है। इस प्रकार प्रबंध वर्ग के लिए और शेयर होल्डर वर्ग के लिए मुख्य रूप से कोषों का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे तीसरे पॉइंट्स की हम बात करें ऋणदाताओं के लिए, ऋणदाताओं में इसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब किसी कंपनी का शेयर वो जो भी चीज़ परचेज करते हैं या उसमें वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसे अपन विनियोजनकर्ता भी कह सकते हैं, तो फंड प्रभावित होता है। माना कि किसी कंपनी के शेयर किसी व्यक्ति के द्वारा टेकओवर किए जाते हैं या खरीदते हैं या उसके इन्वेस्टर होते हैं, तो विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी उनको करनी होती है, जिसमें विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी में उन पूंजी का क्या होता है, इसमें आवागमन होता है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्ट जब किया जाता है किसी कंपनी में तो ऋणदाताओं या इसमें ऋणदाता के रूप से भूमिका कंपनी की होती है, और इन्वेस्टर जो हैं उनको लाभ की स्थिति में जो भी बोनस या जो भी उसको ब्याज है वो उस राशि पे मिलता है, इससे भी कोष का प्रवाह होता है। इसलिए कोष प्रवाह विवरण हम जब तैयार करते हैं तो ऋणदाताओं विनियोजकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे हम बात करें शोधकर्ताओं के लिए भी, शोधकर्ताओं के लिए रिसर्चर के लिए भी कोष प्रवाह विवरण की भूमिका होती है। क्यों? क्योंकि नए नए अनुसंधान और शोध जब वो करते हैं तो कोषों का क्या होता है, प्रवाह होता है,
उनका आवागमन होता है, जिससे कोष प्रवाह विवरण प्रभावित होता है। तो शोधकर्ता की इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे प्राथमिक डाटा हैं, प्राथमिक समंक हैं, उनको कलेक्शन करना है, और भी विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जब करता है तो फंड का आवागमन इसमें होता है। तो शोधकर्ताओं की इसमें फंड फ्लो विवरण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन होता है। इसमें पूंजी का आवागमन शोधकर्ता करता है। पांचवे इम्पोर्टेंस की बात करें फर्म या उद्योग के लिए, जैसा कि आपको नाम से है, फर्म उद्योग साझेदारी क्या होती है, दोबारा इसकी उसको पर अध्ययन करें। साझेदारी दो व्यक्तियों का समूह साझेदार होता है, साझेदारों का समूह फर्म होता है, फर्मों का समूह उद्योग होता है, उद्योग का समूह वाणिज्य होता है, कॉमर्स होता है। तो इसमें कॉमर्स में मुख्य रूप से दो प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं। व्यापार का उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। सहायक क्रियाएं क्या होती है, उनको चलाने में सहायक हो, जैसे यातायात, परिवहन, संचार, बीमा, अनेक प्रकार की गतिविधियां, जो कि एक फर्म और कंपनी के लिए बहुत ही उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है। तो फर्म है अन्य फर्मों के लिए भी महत्वपूर्ण है। छठे पॉइंट की हम बात करें कोष प्रवाह का विवरण, सरकार की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सरकार के लिए फॉर गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी विभिन्न प्रकार के फंड होते हैं, उनका वो यूज़ करते हैं, और सरकारी जो भी गतिविधियां हैं वो कोषों के उपयोग से, उनके आदान प्रदान से आसानी से की जाती हैं। तो इस प्रकार कोष प्रवाह विवरण के महत्व में मुख्य रूप से छह बिंदु ऐसे हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं, जिसमें प्रथम है प्रबंधक वर्ग के लिए, अंशधारियों के लिए, ऋणदाताओं, विनियोजकर्ताओं के लिए, शोधकर्ताओं के लिए, और अन्य फर्मों के लिए और सरकार के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब मुख्य रूप से हम बात करें कि कोष प्रवाह विवरण की कौन कौन सी समस्याएं हैं। कोष प्रवाह विवरण की सीमाएं, कोष प्रवाह विवरण की सीमाओं में प्रथम बात करें कि ये भूतकाल से संबंधित होता है। एक इसकी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि भूतकाल से संबंधित जो आंकड़े हैं उनको अपन कलेक्शन करना, उनका निर्गमन करना, उनका निर्वेचन करना बड़ी समस्याएं आती हैं। तो ये इसकी महत्वपूर्ण समय सीमाएँ ये हैं कि भूतकालीन आंकड़ों से संबंधित होती है या भूतकाल से क्या होती है, संबंधित होती हैं। दूसरी है समुचित व मौलिक जानकारी न होना, समुचित एवं मौलिक जानकारी न होना, ये भी एक सीमाओं में आती है। कोष प्रवाह विवरण में सीमित एवं मौलिक जानकारी न होने से भी कोष प्रवाह का एक तरीके से सही तरीके से निर्गमन नहीं होता है। तो हमें उचित जानकारी, उचित आंकड़ों का होना जरूरी है, तो जिससे अपन कोष प्रवाह आसानी से बना सकें, क्योंकि इसमें मौलिक जानकारी नहीं होने से फंड फ्लो प्रभावित भी होता है। अगला भ्रामक प्रस्तुतिकरण, भ्रामक प्रस्तुतिकरण का मतलब है जब इसको प्रेजेंटेशन जब हम करते हैं, जब फंड फ्लो स्टेटमेंट जब बनाते हैं, पहले तो इसमें क्या करते हैं, हम शेड्यूल स्टेटमेंट शोविंग द शेड्यूल इन वर्किंग कैपिटल के तहत करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ में होने वाली परिवर्तनों से वर्किंग कैपिटल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये अपन कल्पना करते हैं, जो कि ये भ्रामक स्थिति है। आगे इसको हम यूज़ फंड फ्लो स्टेटमेंट में लेके जाते हैं, उनको एक महत्वपूर्ण तथ्यों को आगे प्रस्तुत करते हैं, तो हमें बड़ी समस्याएं आती हैं। तो ये भी एक सीमाएं हैं। अगला वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी के विभिन्न मदों को अलग अलग विश्लेषण करने में असमर्थ। जो भी वर्किंग कैपिटल हैं उनकी जो भी मदें हैं उनको अलग अलग जब हम करते हैं, उनको जब प्रस्तुत करते हैं, उनमें बड़े समस्याएं आती हैं, असमर्थता पैदा करती है। तो ये भी एक सीमाओं में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। इस प्रकार फंड फ्लो स्टेटमेंट मुख्यतया कोष प्रवाह विवरण के महत्व है और इन सीमाओं के साथ ही ये अपने थ्योरेटिकल प्रश्न में कई बार पूछते हैं। और भी प्रश्न आता है इसमें कई बार कि कोष प्रवाह विवरण और वित्तीय विवरण में
क्या अंतर है, कोष प्रवाह विवरण और रोकड़ प्रवाह विवरण में क्या अंतर है। अगले वीडियो में हम, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, कि हम किस प्रकार से कोष प्रवाह विवरण तैयार करते हैं, जिसमें कोष प्रवाह विवरण की शेड्यूल के बारे में हम पढ़ेंगे कि वर्किंग कैपिटल शेड्यूल किस प्रकार से अपन बनाते हैं, कार्यशील पूंजी की शेड्यूल किस प्रकार से हम तैयार करते हैं। बहुत ही बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।